नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज फिर से यहाँ पर हम बात करने वाले हैं काफी सारे सारी कमाल कमाल की गर्मागरम न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर एक जल्दी से लाइक कर दें, काफी अच्छा लगता है अगर आप लाइक करते हैं तो, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं उन सभी को यहाँ पर बधाइयां देना चाहूंगा जिनका जन्मदिन है। उन सभी को मेरी तरफ से और चैनल की तरफ से उन जन्मदिन के ऊपर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है DJI की एक पार्टनरशिप की तरफ से, जिन्होंने जो है पार्टनरशिप की है यहाँ पर टीजर मेकर के साथ, और एक्सोन के नाम से जो है एक ड्रोन यहाँ पर निकल के आने वाला है जो कि कोप ड्रोन होने वाला है। इसके अंदर जो है एक शूटर कैमरा लगाया हुआ है जो कि किसी भी चीज को फटाफट जो है यहाँ पर निकाल कर दे देता है, और काफी हाई या फिर कहें कि लॉन्ग रेंज का ये कैमरा यहाँ पर होने वाला है। और इसका नाम रख दिया है एक्सोन एयर नाम से, जो है जल्दी आपको एक ड्रोन देखने को मिलने वाला है। शायद उसे आम लोगों के लिए भी यहाँ पर बाय करने के लिए छोड़ दिया जाए, लेकिन स्पेशल कोप्स ड्रोन इसे बोल सकते हैं आप। इसी के ऊपर जो है ये दोनों यहाँ पर मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है इंस्टाग्राम की तरफ से। इंस्टाग्राम की तरफ से यहाँ पर रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि इंस्टाग्राम पर अब आप छोटी छोटी स्टोरी या छोटे छोटे वीडियोस की जगह एक घंटे से या 1 आवर से भी बड़े वीडियो जो है डाल सकेंगे। जल्दी ही 1-2 हफ्ते बाद जो है अपडेट कर दिया जाएगा इंस्टाग्राम को, इंस्टाग्राम की तरफ से। उसके बाद जो है लॉन्ग वीडियोस भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर कर पाएंगे। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है नासा की तरफ से। नासा जो है एक जूनो मिशन यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है जिसके अंदर 3 साल लगने वाले हैं उस मिशन को पूरा होने में, मतलब जहां से स्टार्ट होगा उसके बाद 3 साल यहाँ पर लग जाएंगे उस मिशन को कंप्लीट करने में। यहाँ पर जा रहे हैं जुपिटर के ऊपर। जुपिटर के अभी सिर्फ इनके पास रूमर्स ही हैं कि जुपिटर के ऊपर ये गैस है, जुपिटर के ऊपर ये है वो है, काफी सारे यहाँ पर सिर्फ जुपिटर के रूमर्स ही रूमर्स है, लेकिन आज तक पता नहीं कर पाए जुपिटर के ऊपर दरअसल है क्या चीज। तो उसी के ऊपर जो है जाने का ये प्लान या फिर कहें ये वाला मिशन बनाया गया है। जब ये पहुंच जाएंगे या फिर वापस इनका रॉकेट फ्लाइट जो भी है वापस आएगा, तब काफी सारे यहाँ पर सैंपल्स इकट्ठा करके लेके आएगा, तब पता चल जाएगा वहां पर कौन कौन सी गैसेज है, किस प्रकार का वहां पर जो है नेचर है, किस प्रकार की प्रकृति है, कुछ भी है जो भी है सब कुछ यहाँ पर पता चल जाएगा। तो काफी मैं भी उत्साहित हूँ इस चीज को जानने के लिए, देखते हैं, लेकिन इसमें काफी टाइम यहाँ पर लगने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है इजराइल ऑटोनोमस कंपनी की तरफ से, जो कि टेक्नोलॉजी बनाती है ऑटोनोमस कार्स को लेकर। ये टेक्नोलॉजी जो है चाइना में लेकर चली गई, अब चाइना के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप कर ली है। अब बनाएंगे चाइना मार्केट के अंदर ये ऑटोनोमस कार्स दोनों मिलकर यहाँ पर, और इंटरनेशनल सप्लायर जो है बनने वाले हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड ये कार जो है सप्लाई की जाएंगी। अब आप नीचे कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं ये कार जो चाइना में बना रहा है ये मतलब कितने दिन तक चलने वाली है, कितना इसका लाइफ टाइम होगा, कितना क्या होगा, मतलब चाइना में बनी हुई कार किस प्रकार से यहाँ पर चलने वाली है। टेस्ला की भी नहीं चली, उबेर की भी नहीं चली, ऑटोनोमस कार इसकी किस प्रकार से यहाँ पर चलने वाली है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है फायरफॉक्स की तरफ से। एक और नई अपडेट आपको फायरफॉक्स ब्राउजर के ऊपर मिलने वाली है। साइड बाई साइड जो है आप ब्राउजिंग कर पाएंगे, साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि आप थीम्स वगैरह के कलर्स वगैरह जो यहाँ पर चेंज कर पाएंगे मोजिला फायरफॉक्स के अंदर। काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स जो हैं चेंज कर पाएंगे, जो आपकी मर्जी, जिस प्रकार से आपकी मर्जी कलर चेंज कर लीजिए, हर विंडो के अलग अलग, जिस प्रकार से टेक्स्ट या फिर बैकग्राउंड किस प्रकार से क्या आपको रखना, सब कुछ जो है यहाँ पर कर सकते हैं आप कस्टमाइज। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक जो है कुछ चाइनीज कहेंगे मोबाइल जो मेकर कंपनीज हैं, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, उनको डेटा शेयर कर रही है, लेकिन US ने जो है एक बार यहाँ पर धमकी भी थी फेसबुक को किस प्रकार का काम मत करो, लेकिन फेसबुक यहाँ पर मान नहीं रहा। तो 3 कंपनीज के नाम यहाँ पर निकल के आ गए हैं, हुआवे है, लेनोवो और ओप्पो। इन तीनों कंपनी के साथ जो है फेसबुक यहाँ पर मतलब पार्टनरशिप किए हुए है डेटा देने के लिए, मतलब डेटा लीक हो रहे हैं, हमारे ही हो रहे हैं डेटा लीक, इनको क्यों दे रहा है, क्या करेंगे, काफ़ी कुछ जानकारी मैंने यहाँ पर पहले ही दे दी थी, क्या करने वाले हैं इन डेटाज का। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है स्कूटर मार्केट की तरफ से। काफ़ी मतलब शानदार मार्केट हो गया है, कहीं पर मोपेड दिए जा रहे हैं, बाइक शेयरिंग चल रही हैं, काफ़ी कुछ जो है स्कूटर के ऊपर लोग ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे रही हैं, मतलब अगर उनके पास एक्स्ट्रा कुछ टाइम है तो इस प्रकार की हल्की फुल्की सवारी वो करना चाहते हैं। तो वर्ल्ड वाइड सभी लोगों को ये स्कूटर जो है पसंद है, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर चल रहा है। और दूसरी कंपनीज भी मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कार्स बनाती है, वो भी अब स्कूटर बना बना कर यहाँ पर निकाल कर दे रही हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है, कुछ ना कुछ जो है अलग यहाँ पर हो ही रहा है। दोस्तों, हमें नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है कैस्पर की तरफ से। यहाँ पर बताया गया है कि लॉन्च कर दिया है कि $35 का पिलो यानी तकिया जो है लॉन्च कर दिया। आप इसे ट्रेन में, बस में, एयरप्लेन में कहीं भी ले जा सकते हैं, काफ़ी ये कंप्रेस हो जाता है, और इसके अंदर एक स्पेशल यहाँ पर फाइबर फोम बनाने के साथ जो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ किया गया है। जब फाइबर
फॉर्म बनाई जा रही थी, स्पेशल टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, मतलब काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो जाता है जब आप इसके ऊपर सोते हैं तो आपके हिसाब से एडजस्ट यहाँ पर हो जाता है। काफ़ी लो वेट के अंदर काफ़ी बढ़िया सा एक पिलो बना दिया है, मतलब एक प्रकार की बढ़िया चीज़ बना दी है जिसे आप साथ लेकर यहाँ पर घूम सकते हैं मोबाइल की तरह। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, हमने कह रही है 5G की तरफ से। 5G जो है यहाँ पर AR VR का मतलब सिस्टम ही बदल देगा, AR VR जो चलते हैं उनकी टेक्नोलॉजी यहाँ पर चेंज कर देगा, सारे के सारे AR VR जो है स्टैंड अलोन हो जाएंगे और 5G निकल के आता है तो। ये भी एक रिपोर्ट यहाँ पर निकल के आई है कि 5G आने के बाद जो AR और VR चल रहे हैं उनकी साइज कम हो जाएगी, उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, और ये बात भी बिल्कुल सही है क्योंकि AR VR टेक्नोलॉजी जो है फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आप मान के चलिए यहाँ पर फ्यूचर में इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। जब निकल के आ जाती है तब और ज़्यादा इसकी यहाँ पर बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही पता चला है कि 5G आने के बाद इनकी भी स्टाइल डिज़ाइन सब कुछ जो है रहना सहना सब अलग हो जाएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है गूगल की तरफ से। गूगल जो है बना रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड टेरेरियम, जो कि मतलब सब कुछ यहाँ पर चेंज कर देगा, मतलब जो बाहर का मौसम है वेदर है वो ही अंदर यहाँ पर कर देगा। आप सीधा सा कह सकते हैं कॉपी पेस्ट, जो भी आपको बाहर दिखता है उसको अंदर पेस्ट कर देगा, बस यही काम ये करने वाला है। बड़े बड़े यहाँ पर जो प्रोग्राम्स होते हैं बाहर का मौसम कैसा है पूरा का पूरा जो है इससे कनेक्टेड होगा, एक प्रकार का एक बड़ा सा कंप्यूटर है, एयर कंडीशनर भी इससे कनेक्टेड होंगे और भी काफ़ी सारी अलग अलग डिवाइसेज जो इससे कनेक्ट कर दिए जाएंगे और उसी तरह का मौसम अंदर की तरफ ये बना देगा। इसके लिए जो है इसे डिजाइन कर रहा है गूगल। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, हमने लिया Xiaomi की तरफ से। Xiaomi ने भी जो है बच्चों के लिए मिनी स्कूटर यहाँ पर लॉन्च कर दिया है 2600 रुपये के अंदर, मतलब 2600 रुपये इसकी प्राइस और काफ़ी छोटा सा बिल्कुल मिनी 2600 रुपये में, और क्या आएगा यहाँ पर Xiaomi ने भी कमाल कर दिया है। काफ़ी सारे बच्चे जो हैं मतलब लाखों से भी ज़्यादा तादाद में ये वाले स्कूटर सेल हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को ये चाहिए और इसकी प्राइस भी काफ़ी मतलब बिल्कुल सही प्राइस के अंदर जो है ये लॉन्च किया है दोस्तों। अब नेक्स्ट अपडेट की बात करें, निकल के आ रही है Xiaomi Redmi 6 की तरफ से हैं और इसके साथ और भी काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन जो है Xiaomi के लॉन्च होंगे। जून 12 को जो है इनकी लॉन्चिंग यहाँ पर स्टार्ट करने वाला Xiaomi चाइना के अंदर। अब चाइना के अंदर लॉन्च होने के बाद दूसरी जगह पर कहाँ कहाँ किस प्रकार से जाएगा वो 12 तारीख के बाद हम देख लेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल आ रही है Honor की तरफ से। Honor ने भी यहाँ पर खुलासा किया है कि एक गेमिंग स्मार्टफोन बना रहा है जो कि प्ले करेगा टर्बो बूस्ट GPU के साथ, मतलब इसमें एक टर्बो GPU लगा हुआ होगा, साथ ही जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा का सपोर्ट मिलता है और 4D यानी 4D गेमिंग का सपोर्ट भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो GPU ही टर्बो हो गया तो सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा, मतलब एक बड़े से PC का काम ये मोबाइल कर देगा या फिर ये स्मार्टफोन कर देगा, यही जो है Honor का कहना है। कमेंट करके जरूर बताएं आपकी क्या राय है इस फोन के बारे में। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है Reliance Jio 4G स्पीड को लेकर डाउन 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 ही डाउन चल रही है। 2 महीने में एवरेज निकल के आया है कि 33% जो है पहले वाले स्पीड से अब जो है 33% यहाँ पर Jio की स्पीड कम निकल के आ रही है। ठीक है, कहीं कहीं पर ठीक चल रही है लेकिन बाकी जो है कम हो चुकी है। ये एवरेज परसेंटेज यहाँ पर निकाला गया है कि Jio जो है डाउन पे डाउन यहाँ पर क्यों आता जा रहा है। तो 2 महीने के अंदर 33% यहाँ पर स्पीड Jio की गिर चुकी और एयरटेल की स्पीड जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये मतलब एक अच्छी बात नहीं है। Jio को भी आगे बढ़ना चाहिए, काफी कुछ जो Jio ने हमें यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल गया Xiaomi Mi A2 की तरफ से। जो लोग बोल रहे थे Xiaomi Mi X6 ही A2 है वो सब आज गलत हो गए हैं, और पहले जो मैंने वीडियो भी स्पेशल यहाँ पर दे दिया है जिसके अंदर एक टाइप की यहाँ पर अनबॉक्सिंग ही की थी मैंने Mi A2 की, तो सब कुछ जो है गलत हो गया। साथ ही जो है इसमें 8-core CPU भी होने वाला, मतलब रियर कैमरा ड्यूल, काफ़ी कुछ जो है इसमें अलग करके यहाँ पर दिया है Xiaomi ने। नोच डिज़ाइन शायद इसमें ना हो लेकिन काफ़ी पावरफुल बेजरलेस डिस्प्ले यहाँ पर मिल जाएगी, वही इन्फिनिटी डिस्प्ले के साथ जो है निकल के आएगा। अगली अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल के आ रही है Sony Xperia XZ2 प्रीमियम की तरफ से। जल्दी जो है चाइना के अंदर या फिर दूसरी जगह पर कहीं भी लॉन्च हो सकता है, तो 10A का सर्टिफिकेशन जो है इसको मिल गया है, मोहर लगाकर जो इसे दे दिया गया है कि आप जो है फ़ोन लॉन्च कर सकते हैं। XZ2 प्रीमियम काफ़ी बढ़िया फ़ोन हो सकता है Xperia का, लेकिन ये फ़ोन जो है हीट बहुत होते हैं, अभी Sony जो है इनके ऊपर ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं दोस्तों, निकल गया ये है AMD के पहले दुनिया की सबसे पहले ऐसे GPU की, जो कि 7 nanometer टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर बनाया गया है। काफ़ी पतला सा और काफ़ी हल्का सा ये GPU है और 32GB जो है इंटरनल मेमोरी भी इसमें दी गई है और 7 nanometer टेक्नोलॉजी के ऊपर इसे बनाया गया है। काफ़ी बढ़िया चीज़ है, वैसे दूसरे काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज हैं जो कि 7 nanometer के ऊपर काम कर रही हैं लेकिन अभी तक वो बना नहीं पाई, लेकिन इसने जो है बना दिया है। वहीं पर जो है
दूसरी कंपनीज जैसे कि क्वालकॉम लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 855 को बनाने में, वो भी जो है 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर यहाँ पर बनने वाला है, और एप्पल भी यहाँ पर लगा हुआ है 12 चिपसेट को 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर बनाने में। अब देखते हैं और दूसरा यहाँ पर कौन सा निकल के आता है जिसके अंदर होगी 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। आशा करता हूँ दोस्तों काफी कुछ न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से स्टूडियो में आपको मिल गई होगी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दे, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर कर दे अपने फ्रेंड्स को। कोई सवाल है कोई सुझाव है तो कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।